जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हरि बोल। गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल। धन है अपनो,
नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ यटारी यटा जग की, हमको कुटिया ब्रज माही बनाने, हमको कुटिया ब्रज माही बनाने, हमको कुटिया ब्रज माही बनाने, हमको कुटिया ब्रज माही बनाने। टोक मिले रसिको की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। टोक मिले रसिको की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपने ठकुराने श्री राधिकाराने, 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 अपने ठकुराने श्री राधिकाराने। हौ राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, राधा श्याम सुंदर राधा सुंदर राधे। कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, राजा राम राजा राम, पतित पावन सीता राम, राजा राम राजा राम, पतित पावन सीता राम, राजा राम राजा राम, पतित पावन सीता राम, राजा राम राजा राम, पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय, जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद, प्रभुपद प्रभुपद शिल प्रभुपद, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय शिल प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल,
Nitya Gaura Hari Bo Hari Bo Hari Bo Hari Yuga Dharma Hari Naam Sankirtan Ki ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रज बधू वर्गेर्णया कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमातो महान चैतन्य महाप्रभु मत्मिदं तत्रादरो नः पर चैतन्य महाप्रभु मत्मिदं तत्रादरो नः पर वंशे विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबर दरुण बिम बफल दरोष्ठा पूरणेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने योऽन्तः प्रविश्य मम वा चमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिलश तिदर स्वदाना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादी प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् करारविंदे नपदारविंदम् मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्र शपुटेशयानम् बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबत्स्वा मृतमेत देव गोविंद दामो धर्माधवेति जय जय श्री
Radha Ramana Jaya Jaya Navala Kishore Jaya Gopi Chita Chora Prabhu Jaya Jaya Makhana Chora Sri Krishna Chandra Bhagavan Ki Jai आप सब भक्तों का पार्थ सारथी मंदिर के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। श्री वेदव्यास मुनि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में प्रथम तीन श्लोक में मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलम आचरेत इति मंगलाचरण, किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ में गुरु वैष्णव और भगवान को जो प्रणाम करते हैं, जो मंगल आचरण करते हैं, उसे मंगलाचरण कहा जाता है। शास्त्र में लिखा है समाप्ति कामो मंगलम आचरेत। जिस कार्य को करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं, इस कार्य को यदि निर्विघ्न संपन्न करना हो तो मंगलाचरण करना चाहिए। मंगलाचरण में तीन चीज होती है, एक तो होता है प्रणाम, दूसरा है वस्तु निर्देश, जिस कार्य को करने हम जा रहे हैं उस कार्य का निर्देश, और तीसरा है निमंत्रित करना, जिस कार्य को हम कर रहे हैं उस कार्य में आमंत्रण देना। तो वेदव्यास मुनि भागवत के प्रथम श्लोक में श्रीमद् भागवत के प्रतिपाद्य विषय अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति सर्व अवतारी सर्वोपरि भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। वेदव्यास मुनि ने स्वयं अपने आचरण से मानव समाज को यह उपदेश दिया चाहे किसी ग्रंथ का प्रारंभ हो, चाहे जीवन का प्रारंभ हो, चाहे नए वर्ष का प्रारंभ हो, चाहे दिन का प्रारंभ हो, किसी भी वस्तु का प्रारंभ हमें नमस्कार करके करना चाहिए, प्रणाम करके करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करते हुए कृष्ण को कहते हैं सत्यम परम धीमहि। हे कृष्ण, आप ही परम सत्य हो। महाभारत में वेदव्यास मुनि कहते हैं सत्ये प्रतिष्ठितः कृष्ण, कृष्ण सत्ये प्रतिष्ठित। सत्य में कृष्ण है और कृष्ण में सत्य है, अतः परम सत्य इस दुनिया में यदि कोई है तो वो है भगवान कृष्ण। यदि हम रामायण में चले और शिव जी को पूछा जाए शिव जी का मंतव्य क्या है, देवी पार्वती ने शिव जी से कहा, अपने पति देव से कहा, बताओ प्रभु इस दुनिया में सत्य क्या है, तब शिव जी कहते हैं उमा कहूं अनुभव में अपना सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना।
कैलाश में विराजमान देवादि देव महादेव शिवजी अपना मंतव्य देते हुए अपनी पत्नी पार्वती से उमा से कहते हैं, उमा उमा में मेरे जीवन का अनुभव कहता हूं, उमा कहूं अनुभव में अपना, मेरे पूरे जीवन का अनुभव यह है सत हरि भजन, हरि ही सत्य है, भगवान विष्णु भगवान कृष्ण ही सत्य है और उसका भजन उनकी भक्ति ही सत्य है, बाकी सब स्वप्नवत है, स्वप्न के समान है, शिव जी का मत है, ब्रह्मा जी का मत, 33 करोड़ देवी देवताओं का मत, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में भगवान कृष्ण की गर्भस्थ स्तुति करते हुए कहा गया, समस्त देवी देवता एक स्वर से भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, सत्यव्रतम परम त्रिसत्यम सत्यस्य नेत्र, एक श्लोक में 9 बार कृष्ण को सत्य सत्य कह के बिरदाते हैं, तस्मात इसलिए भक्तों श्री वेदव्यास मुनि का कहना है कृष्ण ही परम सत्य है, तो ऐसे परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं और तत्पश्चात श्री वेदव्यास मुनि श्रीमद् भागवत के विषय वस्तु का निर्देशन कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत में जो विषय बताए गए हैं वो विषय कैसे हैं, उन विषयों में क्या है, श्री वेदव्यास मुनि द्वितीय श्लोक में कहते हैं, धर्म प्रोजित कैत वोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा परे ऋश्वर सद्य ही अवरुद्ध तेत कृति भी शुश्रूषु भी तत्क्षणात्। श्री वेदव्यास मुनि कहते हैं कि इस भागवत में धर्म प्रोजित कैत वोत्र परमो, श्रीमद् भागवत में परम धर्म का वर्णन हुआ है, वेदव्यास मुनि इस द्वितीय श्लोक में स्वीकार कर रहे हैं, भागवत के पहले मैंने जितने भी पुराण लिखे उन पुराणों में मैंने कपट किया है, परंतु भागवत में किसी भी प्रकार का कपट नहीं है, श्रीमद् भागवत कैतव धर्म से मुक्त है, विमुक्त है, क्योंकि भक्तों भागवत में लौकिक धर्म का वर्णन नहीं, श्रीमद् भागवत में अलौकिक आत्मा के धर्म का वर्णन हुआ है और साथ ही साथ निर्मत्सराणाम सताम, श्रीमद् भागवत में निर्मत्सर साधु संत महात्माओं का, निर्मत्सर राजाओं का वर्णन हुआ है, निर्मत्सर चरित्र का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया है, अतः श्रीमद् भागवत को यदि हम श्रवण करते हैं तो श्रवण करने वाले निर्मत्सर बन जाते हैं, हृदय के कलमश से हृदय के दोषों से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम, अत्र श्रीमद् भागवत में जिस विषय वस्तु का वर्णन हुआ है वही विषय वस्तु वेद्यम वास्तविक जानने लायक है, श्रीमद् भागवत को छोड़कर अन्य किसी भी वस्तु को जानने की आवश्यकता नहीं है। 18 पुराण लिखने के बाद वेदव्यास जी स्वयं अपना मंतव्य देते हुए कहते हैं, किम श्रुते बहुर्भिर शास्त्रे पुराणेश्च भ्रमावहे, अन्य अन्य पुराणों को पढ़ने से क्या लाभ है जिससे मात्र हमारे मन में भ्रांति उत्पन्न होती है, जब भागवत महापुराण प्रकट हो चुका है, श्री वेदव्यास मुनि ने 18 पुराण लिखे हैं परंतु महापुराण भागवत को ही कहा गया, अन्य जितने भी पुराण हैं मात्र पुराण हैं लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण है,
वेदव्यास मुनि कहते हैं कि जब भागवत महापुराण प्रकट हो चुका है तो अन्य अन्य पुराण पढ़ने की आवश्यकता नहीं, अन्य ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह भागवत सिंह की तरह गर्जना कर रहा है। जैसे किसी वन में कोई सिंह गर्जना करता है तो छोटे मोटे पशु पक्षी वहां से भाग जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जहां पर भागवत की गर्जना होती है, जहां भागवत की कथा होती है, तो छोटे मोटे पाप हमारे हृदय को छोड़कर भाग जाते हैं, हृदय शुद्ध बन जाता है। तो वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम, श्रीमद् भागवत में वास्तविक जानने लायक वस्तु बताई गई। अब कलयुग में तो जीवों का इतना दुर्भाग्य है भक्तों, जो चीज जानने लायक है वो कभी नहीं पढ़ते, और जो चीज जानने लायक नहीं है उसे रात दिन पढ़ते रहते हैं। आज का आदमी भागवत और गीता पढ़े या न पढ़े, रोज सुबह उठकर न्यूज़पेपर अवश्य पढ़ता है, अखबार अवश्य पढ़ता है, और उस अखबार में है क्या? दुनिया भर का कचरा, यहां पर इतने मर गए, इतने मारे गए, इतना खून हो गया, ये हो गया, डकैती हो गई, चोरी हो गई है। रोज मात्र एक ही चीज होती है, एड्रेस नाम अलग अलग होते हैं, और इन सब वस्तुओं को सुनकर पढ़कर हृदय में दुख ग्लानी उत्पन्न होती है, परंतु भागवत को पढ़कर हृदय में प्रसन्नता होती है। तो श्रीमद् भागवत जो है वास्तव में जानने लायक वस्तु है। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत, क्योंकि भागवत के विषय वस्तु शिवदम, शिव, शिव का अर्थ है कल्याण। श्रीमद् भागवत को सुनकर जीव का वास्तविक कल्याण होता है। शिवदम, दम माने देना, श्रीमद् भागवत कल्याण प्रदान करने वाला ग्रंथ है। और इतना ही नहीं, तापत्रयोन्मूलनम्, यदि कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत को ध्यान से सुनता है तो जीवन में तीनों ताप से वे मुक्त हो जाता है। उन्मूलनम्, उन्मूलनम् माने जीवन में जितने भी ताप हैं, दुख है, जड़ से वे सारे दुख चले जाते हैं, मिट जाते हैं श्रीमद् भागवत की इन विषयों को सुनने से। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा परे ऋषवर, जब महामुनि वेदव्यास या महामुनि सुखदेव गोस्वामी के मुख से भागवत प्रकट हो चुका है तो किंवा परे, तो फिर अन्य वस्तु पढ़ने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि यह भागवत पढ़ने से साक्षात भगवान की प्राप्ति हो जाती है। सद्य ही अवरुद्ध तेत कृति भी सुश्रूषु भी तत्क्षणात्, भक्तों भागवत को सुनने से पढ़ने से भगवान मिलेंगे ये तो बहुत दूर की बात है। वेदव्यास मुनि लिखते हैं भागवत को पढ़ने की और सुनने की आवश्यकता नहीं, भागवत सुनने की इच्छा हो जाए, इच्छा करने मात्र से। मान लो यहां पर 31 तारीख से कथा शुरू होने वाली थी और 2 महीने से तैयारी चल रही थी, और दो दो तीन तीन महीने से लोग निर्णय कर चुके थे कि हम 31 तारीख से यहाँ शिलोंग में भागवत कथा सुनेंगे। कथा सुनी नहीं है, 2-2.5 महीने पहले बस मन में संकल्प कर लिया कि हम भागवत सुनेंगे। भागवत सुनने की इच्छा करने मात्र से अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण उस भक्त के हृदय में प्रकट हो जाते हैं। सत्य ही अवरुद्ध ते तकृति भी सुश्रुषु भी तत्क्षणात्, उसी क्षण भगवान कृष्ण उस भागवत सुनने की इच्छा करने वाले भक्त के हृदय में प्रकट हो जाते हैं, और भगवान उस भक्त की रक्षा वैसे ही करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अस सत मम जन उर बस कैसे, लोभी हृदय बस ही धन जय। भगवान
भागवत सुनने वाले भक्त की रक्षा उसी प्रकार करते हैं जैसे एक लोभी अपने धन की रक्षा करते हैं। आपने लोभियों को देखा नहीं होगा, हमने तो बहुत देखा है। लोभी जो होते हैं अपने धन को तिजोरी में ऐसे बंद कर करते हैं और इतनी चाबी को घुमाते हैं, आधे 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 घंटे तक चाबी को घुमाते रहते हैं। कभी कभी हमें लगता है कोई चोर इसे तोड़े उसके पहले यही तोड़ देगा, इतना तो लोकर को आधे घंटे तक चाबी घुमाता है। तो जैसी जैसे लोभी अपने धन को सुरक्षित रखता है, किसी की नजर न लग जाए, किसी की दृष्टि न पड़ जाए, कोई चुरा न लेकर जाए, उसी प्रकार वस्तु की महिमा। और तृतीय श्लोक में श्री वेदव्यास मुनि निमंत्रण दे रहे हैं, संसार के मनुष्य को आमंत्रित कर रहे हैं, आइए आइए भागवत को सुनिए। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुका दये अमृत द्रव संयुतम श्रीमद भागवतम पिबत भागवतम रसमालय मुहू रहो रसिका भूवि भाव का। श्री वेदव्यास मुनि कहते हैं कि ये भागवत निगम कल्प तरोर वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। ये जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, उन सबको वृक्ष के साथ तुलना की जाए तो उस वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत। वेद रूपी वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत। भक्तों आप सब जानते हैं वृक्ष कितना भी अच्छा हो लेकिन वृक्ष का सार होता है उसका फल। ये जो आम है ना, आम मैंगो, सभी फलों का राजा है और वह फल जो है पेड़ पर लगता है। यद्यपि आम पेड़ पर डाली पर लगती हैं लेकिन डाली को खाओगे तो उतना रस नहीं मिलेगा जितना आम को खाने से। श्रीमद् भागवत वेदों से ही प्रकट हुआ है, वेदों का ही सार है लेकिन वेदों का फल होने के कारण वेद से अत्यंत मधुर है उस आम फल के समान। जैसे आम उस आम के वृक्ष का सार है वैसे भागवत समस्त वेद शास्त्रों का सार है। तो फल तो वैसे ही मधुर होता है और वह फल यदि पेड़ पर ही पक जाए तब तो अत्यंत मधुर होता है। वेदव्यास जी कहते हैं ये भागवत निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये भागवत जो है पका हुआ फल है और शुक मुकादय अमृत द्रव संयुतम। और जब सुखदेव गोस्वामी ने इसे स्पर्श कर लिया, शुक रूपी तोते ने इस फल को स्पर्श कर लिया, तब तो ये मधुराती मधुर बन गया। हमारे देश में ये कहावत है और सत्य भी है, किसी पेड़ पर किसी फल पर तोता अपनी चोंच लगा देता है तो वह फल मीठा बन जाता है, अथवा मीठे फल पर ही तोता अपनी चोंच मारता है। जो भी है तोते के द्वारा खाया गया फल मीठा ही होता है। तो ये भागवत जो है वेद रूपी वृक्ष का फल है और शुक रूपी तोते ने जब इसे स्पर्श कर लिया तब तो ये मधुराती मधुर बन गया। फिर भी आप लोगों के मन में प्रश्न हो कि कितना भी मधुर फल हो, मानो कितनी भी मधुर आम हो, मैंगो हो, रत्नागिरी आपूस लेकर आओ, आप महंगी है मधुर है लेकिन गुठली थोड़ी ना खा सकते हैं, छिलका थोड़ी ना खा सकते हैं, गुठली और छिलका को तो निकालना होगा, उसे त्यागना होगा। तो भागवत यदि फल है तो भागवत में भी कोई गुठली है, कोई छिलका है, भागवत में भी कुछ ऐसी वस्तु है जो त्याज्य है, जो है वस्तु है। तब वेदव्यास मुनि कहते हैं नहीं नहीं, ये भागवत कोई फल नहीं, ये भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल और उस फल का बना बनाया हुआ रेडीमेड जूस है। फल नहीं है तो जूस है। इसलिए कहते हैं शुक मुकादय अमृत द्रव संयुतम। अमृत द्रव है, ये तरल पदार्थ है, ये ठोस पदार्थ है।
अमृत है भागवत। अतः वेदव्यास मुनि कहते हैं पिबत भागवतम, इस तीसरे श्लोक में कहते हैं पिबत भागवतम, भागवत को पियो। खाने के लिए नहीं कहा गया, भागवत को पीने के लिए कहा गया है। आप कहोगे खाने में और पीने में क्या अंतर है? अंतर है, जब हम कोई भोजन खाते हैं तो उसे चबाना होता है और उसमें कष्ट होता है, मेहनत लगती है। एक बार एक व्यक्ति थे और कहीं काम करके अपने घर पर गए, पत्नी ने भोजन बना कर रखा था प्रतिदिन की भांति। वे भोजन करने बैठे और पत्नी भोजन परोसने लगी। भोजन परोसने के बाद वह पत्नी अपने हाथों से अपने पति को भोजन खिलाने लगी और दूसरे हाथ से पंखा देने लगी। एक हाथ से पंखा दे रही है, दूसरे हाथ से भोजन खिला रही है। और खिलाते खिलाते पत्नी ने अपने पति से कहा, पतिदेव एक बात पूछूं? बोले पूछूं। पतिदेव 3 घंटे से भोजन मैंने बनाया, आप जब घर पर आए तो भोजन मैंने परोसा, अभी अभी पंखा मैं दे रही हूं और भोजन मैं आपको खिला रही हूं, लेकिन पसीना आपको क्यों आ रहा है? उस ब्राह्मण को पसीना आ रहा था खाते हुए। पत्नी ने कहा सारी मेहनत मैंने की और पतिदेव आपको पसीना आपको क्यों आ रहा है? तब वह आदमी झुंझलाते हुए बोला, चबा कौन रहा है, तेरा बाप? जानती नहीं हो चबाने में? तो भक्तों सत्य बात है, यदि कोई भोजन लेकिन बना बनाया जूस ही दे दिया जाए तो गड़गड़गड़ करके आदमी पी जाए, कोई कष्ट नहीं है। तो खाने में और पीने में अंतर है। वेदव्यास मुनि कहते हैं ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए अन्य जितने भी साधन हैं वो खाने के समान हैं और भागवत जो है ये पीने के समान है। पिबत भागवतम, भागवत को पीना है। इसका अर्थ ये है कि भगवान की प्राप्ति करने के लिए अन्य जितने भी साधन हैं वो खाने के समान है, अर्थात उस साधनों में कष्ट है, मेहनत है, परिश्रम है। बताओ भगवान की प्राप्ति करने के लिए अन्य जो साधन है, कुछ लोग तपस्या करते हैं, तपस्या में कितना कष्ट है। दिसंबर की ठंड में गंगा जल जैसे शीतल बर्फीले जल में 2-2 महीने तक खड़े रहना कितना कष्ट है। हिमालय की कंदराओं में जाकर एक एक पांव पर खड़े रहना, इस तपस्या करने में कितना कष्ट है। ग्रीष्म ऋतु में जहां चिलचिलाती धूप है वहां पंचांगनी ताप कर कई दिनों तक खड़े रहना, ये कष्ट है। और ये सब कष्ट छोड़िए, कलयुग का आदमी क्या तपस्या कर पाएगा? भक्तों साल में 1 दिन होता है जिसे निर्जल एकादशी कहते हैं, पांडव एकादशी, ऐसी एकादशी जिसको रहने से साल भर की एकादशी का लाभ मिलता है। तो कभी कभी कुछ लोग इस निर्जल एकादशी रहते हैं, साल में 1 दिन तपस्या करते हैं, उस दिन भी उसकी हालत देखने जैसी होती है। जो निर्जल एकादशी रहा है उसके घर पर आप जाओगे ना, इस सोफे से उस सोफे पर, उस सोफे से उस टेबल पर, हम कहेंगे क्या हुआ भाई? बोले निर्जला है, सुबह से कुछ खाया नहीं। कुछ लोग हाथ में रिमोट कंट्रोल लेकर टीवी देखते हैं, बोले क्या हुआ? बोले निर्जला है ना, टाइम पास कर रहे हैं, इसलिए निर्जला रहे हो टीवी देखने के लिए। तो कुछ लोग तो दोपहर से ही लिस्ट बनाना शुरू करते हैं कि कल सुबह जब निर्जला खुलेगी तब मैं ये खाऊंगा, ये खाऊंगा, ये खाऊंगा। कौन तपस्या कर सकता है? इस कलयुग में तपस्या करना असंभव है भक्तों, कष्ट है। वेदव्यास मुनि यही कहना चाहते हैं, भगवान की प्राप्ति करने के लिए तपस्या करना कष्ट है, यज्ञ करना कष्ट है। कलयुग में यज्ञ असंभव, क्योंकि यज्ञ का साधन जो है ना कलयुग का नहीं, त्रेता युग का है। कृते ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखे,
यज्ञ जो है त्रेता युग का साधन है, और यदि हम कलयुग में करने भी लगे तो उसमें कितना कष्ट है हम देखते हैं ना। कभी कभी किसी को अपने घर पर वास्तु यज्ञ करना होता है, नया घर लिया है तो ये गृह प्रवेश के लिए यज्ञ कराना चाहते हैं, पंडित जी को फोन लगाते हैं कि मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, पंडित जी लिस्ट देते हैं, लिस्ट सुनकर ही इसको यजमान को पसीना निकल जाता है, इतना इतना लाना होगा। बोले इसमें कुछ कंसीडर कर दीजिए ना, तो पंडित जी कहते ठीक है सब कुछ आधा आधा लेकर आना, लेकिन दक्षिणा पूरी चाहिए। सारी चीज लाते हैं, यज्ञ प्रारंभ करते हैं, और यज्ञ शुरू होते 15-20 मिनट आधा घंटा होते ही इसको ताप लगने लगता है। पंडित जी को कहते हैं पंडित जी अब जल्दी बंद करो इसे, बहुत गर्मी हो रही है। इतना छोटा सा यज्ञ और इतनी परेशानी, कहाँ ये अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, कलयुग का जीव नहीं कर सकता, कष्ट है इसमें। तो भक्तों भगवान की प्राप्ति करने के लिए तपस्या में कष्ट है, यज्ञ में कष्ट है। भगवान की प्राप्ति करने के लिए कुछ लोग दान देते हैं। भक्तों दान का अर्थ मैं आपको क्लेरिफिकेशन करना चाहता हूं, भक्त की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए, मंदिर निर्माण के लिए जो दान देते हैं ना, वो दान नहीं है, वो तो बहुत बड़ी भक्ति है, बहुत बड़ा भगीरथ कार्य है। दान का अर्थ मैं कुछ और कह रहा हूं। तो कुछ लोग सोचते हैं कि दान देने से हम भगवान की प्राप्ति करेंगे, लेकिन दान कर नहीं सकते हैं। 2 साल पहले मुंबई में हमें एक मंदिर का अध्यक्ष बनाया गया। मंदिर चल रहा था तो भक्तगण आए, बोले पैसों की कमी पड़ रही है, तो मैंने कहा दान पेटी खोलो, उसमें से कुछ निकलेगा, ठाकुर जी की सेवा करो। जब दान पेटी खुली ना, तब मुझे पता चला कलयुग में कितने बड़े बड़े दानी रहते हैं। मैं आपको जानना है, कलयुग में बड़े बड़े दानी, किसी माताजी के पास अब किसी ने अंधेरे में फटी हुई 10 रुपए की नोट पकड़ा दी, घर पर जाकर देखती है तो फटी हुई नोट है, सोचती अब क्या करूंगी क्या करूंगी। दूसरे दिन जाती है सब्जी मंडी में और फटी हुई नोट देती हैं आलू टमाटर वाले को, बहन जी ये नोट नहीं चलेगी। तब सोचती किराना वाला तो ले लेगा, किराने वाले के पास जाती है वो भी नहीं लेता है, दूध वाले के पास वो भी नहीं लेता है। जब वह 10 रुपए की फटी हुई नोट कोई नहीं लेता है, तब बहन जी सोचती हैं कि अब जब रविवार को मंदिर जाऊंगी ना तो दान पेटी में दान कर दूंगी। कलयुग के दानी, शास्त्र में लिखा है शिबी दधीची हरिश्चंद्र नरेशा सहु धर्म हित कोटि कलेशा, और इतिहास में एक से एक दानी हुए शिबी महाराज, दधीची, हरिश्चंद्र। लेकिन कलयुग में कौन दान कर सकता है? तो भक्तों वेदव्यास मुनि कहते हैं दान देना कष्ट है, तपस्या करना कष्ट है, यज्ञ करना कष्ट है, ध्यान करना कष्ट है। जो निराकार अव्यक्त का ध्यान करते हैं, कृष्ण भगवद गीता के 6 अध्याय में कहते हैं क्लेश अधिक तरह तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह वाब्धि अव्याप्त। उसमें भी कष्ट है, इसलिए भगवान की प्राप्ति करने के लिए सबसे सरल सुगम साधन यदि कोई है तो वह है भागवत, क्योंकि अन्य साधन भोजन के समान है और भागवत पीने के समान है। बताइए मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, क्या कष्ट है? कोई परेशानी, कोई कष्ट हो रहा है? कोई कष्ट नहीं, नरम नरम गद्दे के ऊपर बैठे हो। अब मूड हो जाए तो कुर्सी पर बैठ जाओ, मूड हो जाए तो नीचे बैठ जाओ, मूड हो जाए तो जब कीर्तन हो तो नाचे, नाचना नहीं तो बाहर एक राउंड मार के आए, जल पीकर बैठ जाए। कितना सरल और सुगम साधन है, सरल है सुगम है, और इसे यदि करते रहे तो इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाती है। बताइए इस संसार में ऐसा कौन है जो इस साधन को नहीं करेगा? अवश्य करेगा।
तो पिबत भागवतम, भागवत को पीते रहना चाहिए, इस भागवत को सुनते रहना चाहिए। तब किसी के मन में प्रश्न हो, इस भागवत को कितना पीना चाहिए, है ना? एक बार, दो बार, तीन बार, कुछ लोग तो अपना माइंड फिक्स करके बैठे हैं कि भाई जीवन में एक बार कथा सुन ली तो सुन ली, अब दोबारा नहीं सुननी है। हमारे पारसारथी सेवा कमेटी जो है वो कई लोगों के पास निमंत्रण देने गई होगी, आइए कथा में, बहुत सुंदर आयोजन है, तो कुछ लोग ने कहा भी होगा कि हमने तो सुन रखी है, हमने तो कथा सुन रखी है, हमें अब दूसरी बार सुनने की क्या जरूरत, तुमने खा भी रखा है, दूसरी बार क्यों खाते हो? ऐसे लोगों को कहना चाहिए, आपने कल खाया तो आज क्यों खा रहे हो? भोजन करने से शरीर को पोषण मिलता है और भागवत सुनने से आत्मा को पोषण मिलता है, और जब तक आत्मा को पोषण नहीं मिलेगा तो जीवन में सुख और शांति नहीं मिलेगी। इसलिए आत्म लाभ के लिए, आत्मा के पोषण के लिए श्रीमद् भागवत को सुने। कितना सुने? श्री वेदव्यास मुनि कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम, आलय माने प्रलय माने मृत्यु, जब तक मृत्यु न आए तब तक नित्य निरंतर भागवत को सुनते रहे, सुनते रहे, निरंतर सुनते रहे। तब मन में प्रश्न होगा, इस संसार में किसी भी वस्तु को निरंतर करते हैं तो उस वस्तु के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है, है ना? आपको रसगुल्ला यदि बहुत पसंद है और आपको भूख भी लगी है, आप एक रसगुल्ला खाओ, दो खाओ, बीस खाओ, तीस खाओ, पचास, साठ, सत्तर, और फिर बाद में आपको वॉमिट होने लगेगी, और बाद में आपके पास यदि कोई रसगुल्ला लेकर भी आए ना, आप कहोगे चलो दूर लेकर जाओ, मुझे नहीं खाना है। इस संसार में किसी भी वस्तु को हम बारंबार निरंतर करते हैं तो उस वस्तु के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है, तो भागवत को बारंबार सुनने से भागवत के प्रति अरुचि उत्पन्न नहीं होगी? तो वेदव्यास मुनि कहते हैं नहीं होगी, क्योंकि भागवत कोई भौतिक विषय नहीं, भागवत कोई साधारण विषय नहीं, भागवत साक्षात अमृत है। अमृत जिसमें से रुचि कभी मृत न हो। भागवत को आप जितना पढ़ोगे, भागवत के प्रत्येक स्कंद, प्रत्येक अध्याय, प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक पद पद पर आनंद का वर्धन होता जाएगा। यच्छुणवताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे, भागवत का रस आनंद निरंतर बढ़ते जाता है। तो इस प्रकार से इन तीन श्लोक में वेदव्यास मुनि मंगलाचरण करते हुए प्रथम श्लोक में भगवान कृष्ण को प्रणाम, दूसरे श्लोक में वस्तु निर्देश, और तीसरे श्लोक में संसार के समस्त जीवों को भागवत सुनने के लिए निमंत्रण कर रहे हैं। आइए अब श्री वेदव्यास मुनि भागवत सुनाना प्रारंभ करते हैं। नैमिषे निमिष क्षेत्रे रुषय शोनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम सममासत सहस्त्रम सममासत। श्री वेदव्यास मुनि कहते हैं नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे, भागवत प्रारंभ करते हुए सबसे पहले स्थान का वर्णन है, नैमिषारण्य स्थान। स्थान बताकर वेदव्यास जी ने निर्देशन किया, किसी भी वस्तु को करने के लिए, संपन्न करने के लिए स्थान की बड़ी महिमा है। आप यदि किसी कार्य को करने बैठे हो, स्थान यदि अनुकूल है तो बहुत कम समय में उस कार्य में आप सफल हो जाओगे। स्थान का बड़ा प्रभाव है भक्तों। पद्म पुराण में तो लिखा है स्थानम प्रभावम न बलम प्रभावम, स्थान का बहुत प्रभाव होता है। अतः स्थान का वर्णन करते हैं नैमिषारण्य नामक क्षेत्र में। इस क्षेत्र का नैमिषारण्य नाम क्यों हुआ, यह पुराणों में वर्णन है।
इस दुनिया के समस्त ऋषि कलयुग को आते देखकर ब्रह्मा जी के पास गए, निवेदन किए कि हम कलयुग के दोषों से भयभीत हो रहे हैं और विश्व शांति लाने के लिए हम यज्ञ करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी, आप किसी अच्छे स्थान का निर्देशन कीजिए जहां पर कलयुग का प्रभाव न हो। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र का निर्माण किया, ब्रह्मलोक से छोड़ा और वह चक्र घूमते घूमते लखनऊ से लगभग 80-90 किलोमीटर दूर आकर गिरा। उस चक्र की नौमिक क्षीण हो गई, इसलिए उस स्थान का नाम हुआ नैमी शारण्य, अथवा उस स्थान पर निमिष नाम के बहुत वृक्ष हैं, इसलिए उस स्थान को नैमिषारण्य कहते हैं। तो नैमिषारण्य जो धेनुमती नदी के तट पर, गोमती नदी के तट पर स्थान बसा हुआ है, वहां पर इस देश के समस्त ऋषि मुनि एकत्रित हुए। आचार्यों ने कहा है लगभग 88,000 ऋषि मुनि थे, 88,000 ऋषि मुनि, और सभी ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे। और यज्ञ कैसा था? सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम सममासत, 1,000 वर्ष तक यज्ञ करने का अनुष्ठान कर चुके थे। हम यहां बैठकर 1,000 वर्ष तक यज्ञ करेंगे। और उन सभी ऋषि मुनियों में ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध जो थे शौनक ऋषि थे, तो शौनक ऋषि के मार्गदर्शन में सब लोग यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की अग्नि चल रही थी, धुआं उठ रहा था, वेदों के मंत्र पढ़े जा रहे थे। और दिन महीने साल बीतते गए। एक दिन की बात श्री वेदव्यास जी वर्णन करते हैं, तो एकदा तू मुनय प्रातर हुत हुताग्नय सत्कृतम सूत मासीनम प्रपच्छु इदमादरा प्रपच्छु इदमादरा। 88,000 ऋषि मुनि मिलकर यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ करते हुए यज्ञ की अग्नि चल रही थी। तो एकदा, उसमें एक दिन की यह बात है, किसी ने इन ऋषि मुनियों को आकर कहा, श्रीमद् भागवत के परम वक्ता श्री सूत गोस्वामी नैमिषारण्य क्षेत्र में आ रहे हैं। भागवत के वक्ता सूत जी नैमिषारण्य में आ रहे हैं, जो रोमहर्षण सूत के पुत्र हैं, ऐसे उग्र श्रवा सूत हमारे बीच में आ रहे हैं। यह सुनकर सभी ऋषि मुनियों ने मीटिंग की। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मीटिंग करते हैं, और इस मीटिंग का एजेंडा था कि महाभागवत सूत जी जब हमारे बीच में आ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो समय सभी ऋषि मुनियों ने एक स्वर से निर्णय लिया, महाभागवत सूत गोस्वामी हमारे बीच में आ रहे हैं तो हमें ये द्रव्य यज्ञ बंद करके भागवत कथा रूपी ज्ञान यज्ञ को सुनना चाहिए। समस्त ऋषि मुनियों ने उस यज्ञ को बंद किया और सूत जी का स्वागत किया। भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता के अंत में कृष्ण ने गीता का अंत करते हुए कहा, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये अर्जुन इस दुनिया के सभी छोटे मोटे धर्म को त्याग कर मुझ कृष्ण की शरण ग्रहण करो, कृष्ण ने कहा, लेकिन इस देश के ऋषि मुनियों ने आचरण करके दिखाया। ऋषि मुनियों का स्वाभाविक कर्तव्य है यज्ञ करना, लेकिन जब भागवत कथा सुनने की बात आई तो ऋषि मुनियों ने अपना यज्ञ त्याग दिया और सारे ऋषि मुनि भागवत कथा सुनने के लिए बैठ गए। मुझे आपसे मात्र इतना ही कहना है कि इस देश के ऋषि मुनि यज्ञ को छोड़कर जब भागवत सुनने के लिए उपस्थित हुए तो क्या हम हमारे घर के छोटे मोटे काम को नहीं छोड़ सकते? हम एक टीवी को नहीं त्याग सकते? ऋषि मुनियों ने सूत जी का स्वागत किया, सूत जी आए, उच्च आसन पर विराजमान किया, उनका पूजन किया और सभी ऋषि मुनि मिलकर ऋषयः उचुः,
सभी ऋषि मुनि मिलकर शुद्ध गोस्वामी को जिज्ञासा करने लगे। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ऋषि मुनियों के द्वारा 6 जिज्ञासा हुई, 6 प्रश्न पूछे गए। ये सुत जी बताइए, आपने तो सभी शास्त्रों का अध्ययन किया है और सभी शास्त्रों पर भलीभांति व्याख्या की है, शास्त्रों का अंतिम निचोड़ क्या है, शास्त्र का सार क्या है? ध्यान से सुनिएगा भक्तों। सुत जी सभी पुराणों के ज्ञाता है और ऐसे सुत जी को कहा गया शास्त्र का सार क्या है, तो सुत जी ने भागवत के अंतिम श्लोक में सभी वेद शास्त्र पुराण उपनिषद का सार दे दिया। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सभी शास्त्र का सार यही है, भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करो और भगवान कृष्ण को प्रणाम करो। यदि इस प्रकार से करते रहेंगे तो जीते जी सुखी हो जाएंगे और मृत्यु के बाद भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त कर जाएंगे। प्रथम प्रश्न। दूसरा प्रश्न, हे सूत जी आप यह बताइए, येन आत्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रश्न इतने सुंदर है भक्तों, अद्भुत प्रश्न, इतने सुंदर प्रश्न पूछे इस देश के ऋषि मुनियों ने, मजबूर होकर सूत जी को भागवत कहना पड़ा। जिज्ञासा होनी चाहिए भक्तों, मनुष्य जीवन का प्रारंभ होता है जिज्ञासा से। वेदांत सूत्र में वेदव्यास मुनि प्रथम मंत्र लिखते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। चाहे मनुष्य कितना बड़ा बूढ़ा हो जाए, लेकिन मनुष्य जीवन की शुरुआत तब होती है जब ब्रह्म के विषय में, भगवान के विषय में जानने की जिज्ञासा करे। 50 साल का बूढ़ा यदि भगवान के विषय में जानने की जिज्ञासा नहीं करता तो मानो उसका जन्म ही नहीं हुआ है, वो मनुष्य नहीं है। क्योंकि लिखा है येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगार चरंती। वो दिखने में तो मनुष्य है लेकिन मनुष्य के रूप में पशु है, पशु से अधिक कुछ नहीं है जो भगवान के विषय में जानने की जिज्ञासा नहीं करते। जिज्ञासा होनी चाहिए, इस देश के ऋषि मुनियों ने जिज्ञासा की 6 प्रश्न। प्रथम प्रश्न, शास्त्रों का सार क्या है? दूसरा प्रश्न, आत्मा को प्रसन्न करने के लिए क्या किया जाए? ये तो हम सबकी जिज्ञासा ना कि हम सुखी कैसे हो। आदमी जन्म से लेकर मृत्यु तक सुख को खोज रहा है लेकिन जीवन में कभी सुख आता ही नहीं है, और आता है तो तुरंत चला जाता है। रात दिन लोग यहां से वहां भाग रहे हैं, भटक रहे हैं, एकमात्र सुख की खोज में, सुख की खोज में। किसी मनुष्य ने कहा है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य के पीछे लक्ष्य क्या है, हम सुखी हो जाए, अल्टीमेटली हम सुखी होना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यह सुख जीवन में कभी आता नहीं, आता है लेकिन वह क्षणिक सुख मिल रहा है, नित्य सुख अनवद्य सुख हमारे जीवन में नहीं। ऋषि मुनियों की यह जिज्ञासा है आत्मा को प्रसन्न करने के लिए क्या। यद्यपि संसार का मनुष्य सुखी होने के लिए रात दिन मेहनत करता है लेकिन सुखी नहीं हो पा रहा है। इसका कारण यही है भक्तों, इस संसार का मनुष्य जो मेहनत कर रहा है ना, वो मेहनत गलत है। आदमी सुखी होने के लिए सिनेमा घरों में फिल्म देखने के लिए जाता है लेकिन फिल्म देखने से आंखें तृप्त होती हैं, फिल्मों के गाने सुनने से कान तृप्त हो सकते हैं, होटलों में जाकर जीवा तृप्त हो सकती हैं। वी आर नॉट अ बॉडी, वी आर अ सोल। भारत देश में जन्म लेकर इतना तो ज्ञान सबको होना ही चाहिए और होता ही है कि हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं, लेकिन हमारा प्रयास जो है ना वो शरीर के लिए है।
रात दिन हम जो प्रयास कर रहे हैं सुखी होने का, ये सारा प्रयास शरीर के लिए करते हैं, लेकिन वास्तविक हमारी पहचान तो हम आत्मा हैं। इस संसार में जीव जब तक आत्मा के लिए मेहनत नहीं करेगा तब तक सुखी नहीं हो पाएगा। महात्मा गण दृष्टांत देते हैं। एक बार एक व्यक्ति के घर पर तोता था और उस तोते को पिंजरे में बंद करके रखा था। एक दिन वह तोता रोने लगा तो उस मालिक ने सोचा कि बेचारा लोहे के पिंजरे में है इसलिए रो रहा है, कहीं ऑर्डर देकर चांदी का सिल्वर का पिंजरा मंगवाया और उस तोते को बंद कर दिया, फिर भी वह तोता रोता रहा। तब तोते के मालिक ने सोचा कि ये चांदी के पिंजरे में है ना इसलिए रो रहा है, मैं सोने के पिंजरे में रखूंगा। बहुत धन खर्च करके उस तोते को सोने के पिंजरे में रखा, फिर भी तोता रोता रहा। कारण यही है भक्तों, बाहर से पिंजरे को कितना भी बदलते रहो, कितना भी साफ करो, जब तक पिंजरे के अंदर रहने वाले तोते को भोजन नहीं दोगे तब तक उनका रोना बंद नहीं होगा, न तो वह सुखी हो पाएगा। ठीक उसी प्रकार बाहर से हम शरीर के लिए कितना ही मेहनत करें, कितना ही प्रयास करें, जब तक इस शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा के लिए कुछ नहीं करेंगे तब तक हमारा रोना बंद नहीं होगा और जीवन में वास्तविक सुख प्राप्त नहीं होगा। यदि सुखी होना चाहते हैं तो इस आत्मा के लिए कुछ करना चाहिए, इसलिए तो पूछा गया ना, येन आत्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा को प्रसन्न करने के लिए क्या किया जाए। तो आगे चलकर इसका उत्तर सूत जी ने दिया है, सवे पुंसा परो धर्म। इस संसार में धर्म तो बहुत हैं, लेकिन परम धर्म यदि कोई है तो वह अधोक्षज, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। सवे पुंसा परो धर्म यतोर भक्ति अधोक्षज, अधोक्षज भगवान कृष्ण की भक्ति करना, यही इस संसार में आत्मा का परम धर्म है। और जब तक यह आत्मा परमात्मा की सेवा नहीं करेगी, यह आत्मा परमात्मा की भक्ति नहीं करेगी, तब तक सुखी नहीं हो सकती। दो प्रश्न, तीसरा प्रश्न पूछा गया, भगवान के अवतारों के चरित्र बताइए। चौथा प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण इस संसार में क्यों प्रकट हुए। पांचवा प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का वर्णन कीजिए। और छठा प्रश्न, कृष्ण चले जाने के बाद, भगवान श्री कृष्ण जब इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए तो धर्मम कह शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया। आगे चलकर सूत जी ने इसका उत्तर दिया है, कृष्ण सुदाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह। जब कृष्ण धर्म ज्ञान